आवाज एकदम ऊपर चला गया तो आजू बाजू के लोग देखेंगे क्या हो रहा है, तो शांत रहने वाले लोग अचानक कैसे ओके। वैसे ही जब कोई घटना बनती है तो वो टाइम पे सम वर्ड्स चिल्लाना वो आपको हेल्प कर सकते हैं, बच्चा पुलिस ये मुझे छेड़ रहा है भागो, ये सारे वर्ड्स साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से भी जुड़े हुए हैं और वॉइस मॉड्यूल से भी जुड़े, ठीक है। सो यूज योर वॉइस ये सब चीजों से बाहर निकल, सामने वाले को कभी डरा। अब आपको लगेगा ठीक है सर वॉइस मॉड्यूल भी समझ में आ गया, व्हाट इज कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन होता है बातें करना, बातें करना वो एक आर्ट है ओके। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं कि साइकोलॉजिकली सामने वाला जब लड़का किसी लड़की को कन्विंस कर रहा है लड़के लिए तो कन्वर्सेशन कैसे काम करता है। वो लड़का और लड़की बाहर गए एक कोने में बैठे हैं, लड़का धीरे से लड़की का हाथ पकड़ता है, लड़की धीरे से लड़का बोल रहा है आई लव, लड़की बोलेगी इवन आई, लड़का बोलता है मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, लड़की बोलती है हाँ इवन आई लव, लड़का बोलता है आज किस कर लेते ना, लड़की बोलेगी नहीं आज मैं नहीं, लड़का बोलेगा तुझे मेरे को भरोसा नहीं है, भरोसा है इसीलिए तो याद रखा, लड़का बोलेगा अगर तू आज किस नहीं करने देगी ना मैं तेरे साथ कभी पा, लड़की बोलेगी ठीक है अगर तुझे यही सब चीज में इंटरेस्ट है तो मत कर, फाइन दिस इज कॉल्ड कन्वर्सेशन। अगर आप नहीं बोलते हो आप रिप्लाई नहीं करते हो इट मीन्स आप सिर्फ सुन रहे हो, और जब आप सिर्फ सुन रहे हो तो आप वही कर रहे हो जो आपको ओके। सो कन्वर्सेशन इज अ आर्ट के जहां पे ऐसी घटनाओं से आप अपने आप को बाहर निकाल सकते, ठीक है ओके। अब आपको लगेगा राइट द फर्स्ट थिंग वी अंडरस्टूड द वॉइस मॉड्यूल एंड द कन्वर्सेशन, व्हाट इज सेकंड वे ऑफ सेल्फ डिफेंस इज कॉल्ड सोशल सेल्फ। देखिए सेल्फ डिफेंस को अगर मैं जनरलाइज वर्ड में आपको बताऊंगा तो दैट इज कॉल्ड स्वरक्षण, खुद को बचाना। अब खुद को बचाना मीन सामने वाले को मार के मार डाल के वहां से निकल जाना वो भी खुद को बचाना है, और वहां से सामने वाले का ध्यान चुका के भाग जाना वो भी खुद को बचाना है। आई बिलीव इन अ मॉडर्न सेल्फ डिफेंस सिस्टम द स्मार्ट सेल्फ डिफेंस सिस्टम जहां पे आपको सेल्फ डिफेंस को मल्टीपल वे से लेना पड़ेगा, तो साइकोलॉजिकली भी आपको ट्राई करना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करिए, वर्बल वे ऑफ यूज करिए, सोशल वे ऑफ यूज करिए, नहीं होता है तो फिर हम लोग फाइटिंग पे आते हैं, ठीक है। सोशल सेल्फ डिफेंस क्या होता है, जब आप चौराहे से यहां से चार रास्ते से जा रहे हैं कोई आपको छेड़ रहा है तो आप खुद उसको मारेंगे वो रास्ता है सेल्फ डिफेंस का नहीं, उसके जगह वो चौराहा है बहुत लोग है हेल्प करने वाले लोग है बी स्मार्ट यूज योर वॉइस चिल्लाओ बचाओ बचाओ ये मुझे छेड़ रहा है, क्या होगा 50 जन आएंगे और इकट्ठा होकर फिर उसको मारेंगे। सो दैट इज कॉल्ड सोशल वे ऑफ सेल्फ डिफेंस, अपने आप को बचाओ, लोगों का इस्तेमाल करना, समाज का इस्तेमाल करना, सोसाइटी का इस्तेमाल करना, ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल करना, एनजीओ का इस्तेमाल करना अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, दैट इज कॉल्ड सोशल वे ऑफ सेल्फ डिफेंस। जब निर्भया केस हुआ ना उसके बाद क्या हुआ, पूरे इंडिया में लोगों ने कैंडल मार्च किया, वो कैंडल मार्च निकाल के इतना ज्यादा सोशल रेजिस्टेंस क्रिएट किया कि गवर्नमेंट को अपने अमेंडमेंट्स चेंज करने, लेकिन वो घटना के बाद का सोशल, ठीक है। हमें घटना से पहले एक स्कूल थी सूरत की बहुत ही फेमस स्कूल नाम नहीं लेता हूं, वहां पे एक लड़की पे कंप्यूटर का सर बार बार उसको गलत जगह पे टच कर रहा था, वो लड़की थोड़ी अपसेट हुई, उसके पेरेंट्स अपसेट हुए, बहुत प्रिंसिपल के साथ कम्युनिकेशन हुआ, कुछ नहीं हुआ, नहीं वो बाद में आके मुझे मिले कि सर क्या करना चाहिए, मैंने वो लड़की को बोला बेटा अभी नेक्स्ट टाइम स्कूल में जाए ना तो जोर जोर से चिल्ला, इतना जोर से चिल्लाना कि पूरी स्कूल ही इफेक्ट हो जाए। जब वो सर ने वापिस वो लड़की को छेड़ा तो वो लड़की जोर जोर से रोने लगी, इतनी जोर जोर से रोने लगी कि आजू बाजू में से ट्रेनिंग स्टाफ बाहर आया, दूसरे टीचर्स बाहर आए, पूछा क्या हुआ, बोले ये सर रोज मुझे ऐसे टच करता है, अच्छे से मुझे अच्छा नहीं, ये सब चल रहा था तो और भी क्लास में से दो तीन लड़कियां पढ़ रही, बोले ये सर हमारे सर किए। धीरे धीरे 200 जनों का क्राउड प्रिंसिपल ऑफिस में पहुंचा और 5 मिनट में प्रिंसिपल ने उसको, सो दैट इज द पावर ऑफ सोशल सेल्फ। हम जो बिल्डिंग में रहते हैं स्कूल में अगर बच्चे पढ़ते हैं तो अगर किसी के साथ होता है
छेड़खानी या कुछ भी ऐसी घटना है तो अगर पूरा ग्रुप से हेल्प करेगा तो दूसरी बार वो घटना नहीं बनती। ओके, अगर हम लोग जो सोसाइटी में रहते हैं वो सोसाइटी के नीचे दो दो लड़के खड़े रहते हैं, वहां पे वो लड़की को छेड़ा जाता है, बिल्डिंग में से 50 लेडीज निकल के डंडे से वो लड़के को मारेगी, तो दूसरी बार कोई लड़के आपके बिल्डिंग के आगे खड़े रहेंगे नहीं रहेंगे, बोलेंगे यार यहाँ पे तो सब पागल हो रहे हैं। सो दैट वे ऑफ बिहेवियर क्रिएट करना, हमें हेल्प करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। सूरत में सबसे बड़े जो और गीता मैम है, आज मैं इस स्टेज पे खड़ा हूँ तो वो मैम भी मुझे लेके आया है। 5 साल पहले मैम ने बोला था कि सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है सूरत से, तो मैम इज ऑलवेज देयर टू हेल्प एनी लेडीज। श्रृंगी मैम है जो है हमेशा हेल्प करते हैं, मैंने बहुत सारे केसेस श्रृंगी मैम के भी सुने हैं कि मैम हमेशा हेल्प के लिए रेडी रहते हैं। तो अगर ऐसी कोई भी घटना छोटी मोटी होती है तो प्लीज आस्क फॉर द हेल्प 1081 अवेयर हेल्पलाइन, समाज का और फैसिलिटी का यूज करें। ठीक है, इसके बाद आता है साइकोलॉजिकल व्यू ऑफ सेल्फ। व्हाट इज साइकोलॉजिकल व्यू ऑफ सेल्फ? मानसिक प्रतिकार, हर एक चीज का सॉल्यूशन मारामारी नहीं, कभी कभी प्रेजेंस ऑफ माइंड से भी आप वो सिचुएशन को हैंडल कर सकते। वी ह्यूमन बीइंग हैव अ फियरफुल साइकोलॉजी। आप सब यहां पे बैठे, कोई भी अगर ये बोल देता है ना कि मेरे में डर नहीं है, वो गलत बात, सब में डर, मैं यहां पे खड़ा हूं तो मेरे में भी डर। ठीक है, अगर हम लोग सब बैठे हैं अचानक यहां से कोई आएगा और जोर से चिल्लाएगा फटाफट खाली करो फास्ट फास्ट निकलो, हम सब क्या करेंगे? भागना चाहो, फिर भागते भागते एक दूसरे को पूछेंगे क्या हुआ। सो दैट टाइप ऑफ साइकोलॉजी इज ह्यूमन साइकोलॉजी। ओके, ऐसे ही कोई डर को आइडेंटिफाई करने के लिए खड़ा नहीं है। अगर आप सुबह 5 बजे लड़की ट्यूशन जा रही है और उसके पीछे 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 कोई बाइक पे आ रहा है, वो लड़की थोड़ा आगे जाके अचानक अपनी स्कूटी रोक के चिल्लाएगी, देखो पुलिस जी मुझे छेड़ रहा है, तो वो लड़का देखने के लिए खड़ा रहेगा कि पुलिस है कि नहीं है। एग्जैक्टली वैसे ही दो इंसिडेंट्स, रियल इंसिडेंट्स में आपको समझा रहा हूं कि प्रेजेंस ऑफ माइंड और साइकोलॉजी से कैसे बचा जाता है। मैं जब यूएस में था पढ़ाई करता था, वो टाइम पे हमारे साथ पढ़ने वाली एक लड़की 21 साल की लड़की थी, वो मूवी देख के बाहर आई। अब एक निग्रो, अफ्रीकन निग्रो ने ड्रग्स था, उसको पकड़ के फेंक दिया और उसके ऊपर रेप करने के इंटेंशन से चढ़ गया। अब वो लड़की को पता चल गया कि बात तो नहीं पाऊंगी, 6.2 इतना मस्कुलर पर्सन, लेकिन वो लड़की ने ऐसा प्रिटेंड किया कि मैं फाइट कर रही हूं, ऐसे मार रही है, ऐसे मार रही है, वो लड़का भी मार रहा है, ये भी मार रही है ऐसे। अब ये मारा मारी में अचानक वो लड़की ने क्या कर दिया, अपने आप को एकदम लूज छोड़ दिया, ब्रीथ स्टॉप कर दिया और मुंह में से वो देखिए वो लड़की को ये हुआ कि हुआ भी नहीं और इसे क्या हुआ, वो हिला रहा है देख रहा है, लेकिन वो लड़की बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं, वो लड़का देख के भाग। जैसे ही वो लड़का भाग गया 10 सेकंड के बाद वो लड़की खड़ी हुई और अपनी काश रखा। सो दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल वे ऑफ सेल्फ। अनदर, एमएस यूनिवर्सिटी की एक लड़की थी, और रात को 11:30 बजे अपना वर्क कंप्लीट करके निकली, दो लड़के बाइक पे उसके पीछे पीछे जा रहे, काफी टाइम हो गया, लड़की समझ गई थी पीछा नहीं छोड़ रहा। वो लड़के उसको पूछ रहे थे फ्रेंडशिप करेगी, तो लड़की ने धीरे से स्माइल करके बोला हाँ। तो लड़का ने नाम पूछा, लड़की ने इशारा किया कि पास में आ, पास में आए, बात करते 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 वो लड़की ने अपना स्कूटी कंट्रोल कर लिया, स्पीड एकदम स्लो कर दी। जैसे ही डिवाइडर आया वो लड़की ने जोर से खींचा बाइक को, तो दोनों लड़के डिवाइडर पे गिरे और वो लड़की वहां से। सो फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल सेल्फ डिफेंस का कॉम्बिनेशन दिखाया। आई बिलीव कि मैं जितना अच्छा साइकोलॉजिकल सेल्फ डिफेंस अप्लाई कर सकता हूं उससे बेटर आप सब कर सकते, बिकॉज यू आर कंसीडर एज अ फीमेल, है ना, और फीमेल आर कंसीडर एज द गुड ड्रामा क्वीन। मैं दो चीज में बहुत स्ट्रॉन्गली बिलीव करता हूं कि आपके पास जो एबिलिटी है वो किसी और के पास नहीं है। द फर्स्ट एबिलिटी इज कॉल्ड सिक्स सेंस। फीमेल को जो इंट्यूशंस होते हैं
वो इंटीट्यूशंस काफी केसेस में सच होते हैं. प्लीज बिलीव योर सिक्स सेंस. और बच्चों को भी बोलूंगा कि अपने पेरेंट्स के सिक्स सेंस पे भरोसा करिए. एंड द सेकंड थिंग इज, लड़कियां या लेडीज या वुमन जो भी ड्रामा करती है वो कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि ये सच बोल रही है. ओके मैम अग्री करते हैं. आप तो इतने केसेस देखे हैं, मतलब समझ में ही नहीं आता कि वो लड़की सच बोल रही है कि झूठ बोल रही है, मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना. तो अगर आप किसी सिचुएशन को अचानक ड्रामा क्रिएट कर देंगे और वो सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे तो दैट इज द गुड ऑप्शन ऑफ सेल्फ डिफेंस. ओके सो आई होप कि आप ये सब चीजें अगर अलग अलग कॉम्बिनेशन में यूज करेंगे तो अपने आप को डिफेंड कर पाएंगे. अब आपको लगे सर हमने सब यूज किया लेकिन सिचुएशन बहुत खराब था, then the last option is called physical resistance. Physical resistance. That is called fighting. Okay? Fighting के लिए चार ऑप्शन आपको ध्यान रखना. नंबर वन, फाइट वही कर सकता है जो एक्चुअली लड़ना चाहता है. क्योंकि अगर सिचुएशन खराब है और आप फाइट नहीं करोगे तो आपका हारना निश्चित है, और अगर आप फाइट करोगे तो 50% चांस है जीतोगे, 50% चांस है हारोगे. That is number one. Second thing, आप रूटीन और ट्रेन्ड मार्शल आर्टिस्ट नहीं हो, यानी आपकी जो फाइट होनी चाहिए वो शॉर्ट एंड इफेक्टिव होनी चाहिए, एकदम शॉर्ट एंड एकदम इफेक्टिव. क्योंकि आपके पास वो स्टेमिना एंड्यूरेंस पावर अभी नहीं है कि आप लंबी लंबी फाइट कर सकें. ओके दैट इज सेकंड. थर्ड थिंग, अटैक शुड बी अनएक्सपेक्टेड. ये वर्ड को याद रखें. अगर किसी को मारते हैं हम, उसे पता है कि ऐसे ही मारने वाला है तो वो अटैक हमेशा फेल जाता है. सो एवरी अटैक शुड बी अनएक्सपेक्टेड अटैक. ओके द फोर्थ एंड द लास्ट इज ऑलवेज ब्रीथ. हमेशा सांस लेते रहो, कीप ब्रीथिंग. जब आप कोई भी ऐसी सिचुएशन में आते हैं तो हम लोग क्या कर लेते हैं, पैनिक हो जाते हैं, हमारे ब्रीथ फास्ट हो जाते हैं, आंखों के आगे अंधेरे आ जाते हैं, पसीना छूटने लगता है. ये सबके साथ होता है अगर आप कोई भी ऐसी पैनिक सिचुएशन में. This is absolutely normal. मैंने बड़े-बड़े मार्शल आर्ट चैंपियंस को देखा है कि जब एक्चुअल फाइट आती है, रियल फाइट आती है, तो उनके भी हार्ट बीट्स फास्ट होते हैं. So it is very normal, but आप फाइट तभी कर पाओगे जब आप अपने आप को शांत रख सकते. Cool. Keep breathing. अगर ऑक्सीजन इंटेक प्रॉपर है तो आपका दिमाग चलेगा कि आपको क्या करना है. ओके सो ये चार टिप अगर आप याद रखेंगे तो अच्छी फाइट होगी. ना मैम कितना 10 minutes. Okay. मुझे चाहिए यहाँ पे 10 लोग कम से कम. मैं अलग अलग टेक्निक उनको सिखा सकूंगा. फास्ट ओके अगर 10 लोग रूटीन नहीं भी आएंगे तो 5 जन भी मिल जाएगा. 10 लोग तो ओके. छोटी लड़की है, छोटी छोटी नहीं है. ओके गुड. ओके मैं आज आपको एकदम सिंपल टेक्निक्स दिखा रहा हूं. मैं ऐसी टेक्निक्स दिखा रहा हूं कि जो सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाए. दूसरा, आपको बहुत ज्यादा पावर की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा स्पीड की जरूरत नहीं है. आप सिर्फ अनजाने में जो हाथ पैर उठाते हैं उतना करके भी आप अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं. ओके बॉडी के अंदर 72 ऐसे वीक पॉइंट्स हैं कि जिसपे अगर मैं तरीके से अटैक करूं तो सामने वाले को मैं बेहोश कर सकता हूं, एक्सट्रीम पेन दे सकता हूं, या उसको डेथ इंजरी दे सकता हूं. लेकिन आज मैं सिर्फ आपको 10 से 15 ऐसे पॉइंट्स दिखाऊंगा जो इजीली आपके लिए एक्सेसिबल है, आप यूज कर सकते. ठीक है, ट्रेंड मार्शल आर्टिस्ट कैन यूज ऑल 72 पॉइंट्स. सबसे पहला वीक पॉइंट जो होता है बॉडी में अगर ऊपर से स्टार्ट करें तो दैट इज हेयर, बाल. हम लोग क्या करते हैं कि अगर फाइट कर दे तो हम लोग बाल ऐसे और ऐसे पकड़ के ऐसे खींचते रूम. ओके अब देखो बाल को कैसे पकड़ते. व्हाट इज योर नेम? हेत मुझे मारने आ रहा है, आओ हेत मारो. मैंने क्या किया, मैंने हेत के पूरे हेयर ग्रैप नहीं किए. मैंने यहां से पकड़ा नहीं, अगर मैं यहां से पकड़ता हूं तो उनको बैंडिंग पेन आएगा.
लेकिन मैंने क्या किया, मैंने हल्के से खाली इतने बाल, अब ये जो बाल है उसको मैं अगर जोर से खींच दूं तो बहुत पेन होगा, ये जल जाएगा पूरा पेन से पानी पानी, विच इज मोर पेनफुल फर्स्ट और सेकंड। सो फर्स्ट वीक पॉइंट इज हेयर, लेकिन आपको ग्रैब करना है बंच ऑफ हेयर, ओके। अब आपको लगेगा सर मैं तो गई थी बाल पकड़ने, लेकिन सामने वाले के बाल बहुत छोटे, या तो वो बोल्ड है, मतलब कंप्लीटली सर टकला था। चलो थर्ड सिचुएशन, ओके थर्ड सिचुएशन देखते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि सर वो टाइम पे मेरे हैंड थोड़े वाइब्रेट होने लगे, मैं डर गई, मेरे से नहीं हुआ, ट्रू, चलो गया मैं हैंड ब्रेक करने, लेकिन मैं डर गया या मेरे हाथ स्लिप हो गए, तो क्या आ गया आपका, दिस इज सेकंड थिंग। अब पहले तो अगर आपके पास नाखून बड़े हुए हैं तो घुसा दो, और उसके बाद जोर से कान को खींच। अभी मैं किसी को कोई इंजरी नहीं, लेकिन अगर आप देखिए ये कान को अगर इतना भी खींचता हो तो कितना, तो वो कान को अगर जोर से नीचे खींच दिया तो ये स्किन फट जाएगी और यहां से ब्लीडिंग स्टार्ट। बिलीव मी देर आर 60% पीपल जो अपना खुद का खून देख के एकदम लो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, मतलब वो देख लेंगे कि ना मेरा मेरे को खून निकल रहा है, तो उसका सारा कॉन्सेंट्रेशन ब्रेक हो गया वहां पे, खत्म हो गया, ठीक है ना। थर्ड, अब आपको लगेगा कि सर मैं बाल पकड़ने गया लेकिन मेरे से तो इतना भी नहीं होता है, मैं तो बहुत ही डर गई वो टाइम, मेरे को तो पता ही नहीं चला क्या करना, आपको कुछ नहीं पता चला, लेकिन कोई जबरदस्ती आपके तरफ बढ़ रहा है, आपको किस करने की कोशिश कर रहा है या आपको कुछ करने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसको दूर तो रख सकते हैं, ठीक है हम उसको दूर ही रखेंगे। व्हाट इज इट, ये शाह बार बार मैं तो बहुत डर रहा हूं, बहुत डर रहा हूं, है ना, आओ खाली हाथ को खोल दो, ओके, और कहां मारना है, कितना पेन हो रहा है, नो स्लिप पे, ओके। अगर यही नो स्लिप पे टच करने की जगह जोर से पाम अटैक कर दिया जाए तो ये बोन टूट सकता है, ओके। सो दिस इज वेरी गुड वीक पॉइंट। ओके, अब आपको लगेगा कि सर मैं तो गया था वहां पे मारने के लिए लेकिन उतना भी नहीं हुआ, मेरा हैंड तो स्लिप हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, सामने वाला भी बीच में आग डाल देता है या आपकी स्पीड कम पड़ जाती है तो स्लिप हो जाता है। मैं नोज पे मारने गया वो नहीं हुआ और यहां से हाथ स्लिप हो गया, कोई बात नहीं, इमीजिएट क्या करना है, लिप्स, लिप्स, ये हाथ स्लिप हो गया, तुरंत ही वापस जाना है और क्या पकड़ना है, लिप्स, लिप्स को सिर्फ पकड़ना नहीं है जोर से, तो पूरा ब्लीडिंग होता है, नहीं करना। See the most important thing, you require the confidence now. जो क्रिमिनल है उसने आप पे कोई दया नहीं रखी, ओके, आपकी लाइफ खराब करने के लिए उसने कोई दया नहीं रखी है, तो आपको भी दया नहीं रखनी है, वहां पे जब आपको मारने का मौका मिलता है वो मार ही लेना है, अगर वो मर भी जाएगा तो कोई टेंशन नहीं है, इन द एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस अगर ऐसे किसी हादसे में, मतलब अपना खुद का प्रोटेक्शन करने में वो सामने वाले की डेथ भी हो जाती है तो लीगली फिर तो मैम समझाएंगे कि कैसे बच सकते हैं, बच जाएंगे वो श्योर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, अब बहुत सिचुएशन आ गई, आप उसको मारने गए या आप उसको कुछ बोलने गए और सामने वाला बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हो गया, उसने सीधा आपका गला पकड़ लिया, दबाइए, अब गला दबा रहा है, अब मुझे कुछ भी नहीं आता, आई एम टोटली अननोन, मुझे सिर्फ हाथ ऐसे कैट फाइट करना है, ओके राइट, ऑर्डर, मैं बोलूंगा छोड़ 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 छोड़, ओके। जब उन्होंने मेरा गला पकड़ा तो मैंने क्या किया, छोड़ छोड़ हल्के से और उसके बाद हल्के से हाथ सीधा, ओके। सिचुएशन अगर बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, आंखों में उंगली डालो, ओके, जोर से झटके से फाड़ दो, कोई टेंशन नहीं,
लेकिन अगर सिचुएशन वर्स होता है नेक्स्ट कभी कभी क्या होता है कि यू हैव दैट सिचुएशन के जहां पे दो चार लोग और भी है आपको हेल्प भी मिल सकता है एंड यू आर एट द पावरफुल पॉइंट आपको उसको स्लैप मारने का मौका मिलता है थप्पड़ मारने का मौका मिलता है तो हम लोग जनरली थप्पड़ कैसे मारते हैं आप मारोगे तो कैसे मारते और दिस इज अ रॉन्ग वे ऑफ पुटिंग अ स्लैप यहां पे ऐसे मारने से कुछ नहीं होता है यहां पे ऐसे मारने से भी कुछ नहीं होता है अगर स्लैप करना है तो करिए पाम से ओके अगर मैं हल्का भी पाम मारता हूं तो ये इंजरी है और वही पाम को अगर यहां जो बोल अगर जोर से मार दिया जाए तो जो बोन कैन ब्रेक फ्रैक्चर हो सकता है टूट सकता है ओके सो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड विक राइट नेक्स्ट ओके मैं अब आपको एक पॉइंट ऐसा दिखा रहा हूं जो दैट इंजरी देता है ये पॉइंट एक्सट्रीमली डेंजरस है इसलिए इसको सोच समझ के यूज करिएगा दैट इज कॉल्ड फ्रॉड ओके अक्सर जब ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको सबसे पहले क्या करना है हम लोग क्या करते हैं गला पकड़ते हैं लेकिन देयर आर टू टाइप ऑफ ग्रिप वन इज कॉल्ड फुल ग्रिप से मैं सामने वाले को कंट्रोल में रख सकता हूं ओके या उसको हल्का सा चॉक कर सकता बट अगर सिचुएशन की सीवियरिटी ज्यादा है और आपको लगता है कि नहीं अभी उसको इंजरी पे लाना पड़ेगा तो आइए और टाइगर ग्रिप से होल्ड करें दिस इज कॉल्ड टाइगर ग्रिप देखिए क्या हो खाली मैंने टच करके छोड़ा अगर वही चीज को आप पकड़ लो टाइट और घुमा दो फिनिश 5 सेकेंड 7 सेकेंड एंड पर्सन इज फिनिश खत्म अब आपको ऐसा लगेगा कि सर मैं भेजी तो थ्रॉट बॉल पकड़ने लेकिन मेरा हाथ स्लिप हो गया ऑलवेज बी रेडी विथ अनदर हैंड ओके कॉन्फिडेंस लेवल इतना शार्प होना चाहिए मैं गया हाथ स्लिप हो गया या नहीं पहुंच पाया कोई बात नहीं तो यहां पे देखिए दिस पॉइंट इज कॉल्ड एंकर पॉइंट I've just touched it. I can understand. Conscious? Try to understand. Ye point kaun sa hai? Yahan se niche hum jo yahan pe gala khatam hota hai. ओके कॉलर बोन के राइट जोर से ओके जरूरी नहीं है कि हर एक पॉइंट जो है वो यहां पे कुछ होता है जॉइंट्स जिसको भी अगर थोड़ा भी पावर अप्लाई किए या अच्छे से करें तो टूट सकता है ना मारिए मैं मुझे मारने आ रहा हूं मैं अपने आप को बचा रहा हूं सी दिस इज ऑल सेल्फ डिफेंस टेक्निक मैं बचा ही रहा हूं मैं कुछ नहीं कर रहा हूं अब मेरे पास क्या हो गया उनका हाथ मैंने यहां पे रोक दिया नाउ आई हैव अ ऑप्शन हल्का अटैक करूं देखिए यहां पे शोल्डर हल्का सीधा पॉइंट कर जाए ठीक है स्ट्राइकिंग अटैक नाउ सेकंड अब मुझे लगता है कि मुझे उनको स्ट्राइकिंग अटैक से नहीं रोकना है मुझे उनका हाथ ही तोड़ देना देन अब मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं हाथ तोड़ सकता हूं ये एल्बो है तो उसका एक्सटेंशन जो है वो इतना ही होता है देखिए अगर मैं जोर से झटके से मारू तो ठीक है सो दिस इज ऑल्सो विक राइट चलो आप ही मेरा गला पकड़ लिया अब मेरे में तो इतनी भी ताकत नहीं है कि मैं हाथ भी ऐसे ऐसे कर सकूं लेकिन मैं चौक हो रहा हूं अब मैं चौक होते हुए अपने आप को छुड़ाना चाहता हूं ओके ये छुड़ाते छुड़ाते क्या हो गया सिर्फ एक अंगूठा हाथ में तो
तोड़ देना, झटके से तोड़ देना. क्लियर? दिस इज आल्सो बिग पॉइंट. इसके अलावा जो एक बिग पॉइंट है वो मैं प्रैक्टिकली नहीं दिखा रहा हूं, ऐसे ही बता देता हूं. दैट इज कॉल्ड सोलो ब्लैक्स. ओके, अगर कोई आ रहा है हमारे तरफ बढ़ रहा है, जब अच्छा डिस्टेंस मिल जाए तो जो से खाली सोलो ब्लैक्स को पुश भी कर दिया जाए तो कर सकता है. दैट इज आल्सो बिग पॉइंट. अब काफी बार ऐसा भी होता है कि हमें हाथ का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं. Without using our hand, we can damage the people. कैसे? कोई एक जन आपको अभी आ रहे हैं, मैं उसके साथ कन्वर्सेशन में बातें कर रहा हूँ, क्या किया है मैंने, क्यों मुझे छेड़ रहा है, हाँ तो फिर भी मारने आ रहा है. क्या किया मैंने? मैंने नी पे, नी का भी जो एक्सटेंशन है वो ऐसे होता है, बेंडिंग इतना होता है, ये ऐसे नहीं हो सकता. जब वो चल के आ रहे थे मैंने क्या किया, उनकी जो मोमेंटम है उसको तोड़ा, यहाँ पे तो क्या रिएक्शन आता है, ये चल. और अगर जोर से किक मारे तो नी लिगामेंट डैमेज. ठीक है, तो ये भी एक वीक पॉइंट है जहां पे आप अच्छी तरीके से अटैक कर सकते हो. वन मोर, कुछ पॉइंट्स पीछे भी है, बॉडी के पीछे के साइड पर आप अपने जहां पे आपका नेक कंप्लीट होता है और आपका स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होता है, ये पॉइंट भी है वो वॉल जॉइंट है. इसको भी अगर आप खाली में हल्के से मार सीधा यहां, दिस इज आल्सो कंसीडर एज अ वीक. ओके, अब आपको लगेगा कि सर ठीक है ये सब वीक पॉइंट्स हो गए, इस पे अटैक कैसे करना है, तो उस पे अटैक करने के लिए बॉडी के स्ट्रांग पॉइंट यूज करना. बॉडी के स्ट्रांग पॉइंट मींस या तो फिस्ट या तो पाम या तो नी या तो एल्बो, ये चीजों से अगर आप अटैक करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा. राइट, सी बेसिकली मैं आपको 40 मिनट्स में पूरा सेल्फ डिफेंस सिखा नहीं सकता, लेकिन मैं ऐसी कुछ टिप्स आपको दे रहा हूं जिसकी वजह से आप कॉन्फिडेंटली बाहर जा सकते हो, और अगर ऐसी कोई सिचुएशन आए तो आप कर सकते हो. तो इतनी आपको जो वीक पॉइंट्स है, एक्सेसिबल वीक पॉइंट्स, वो पता चल गए. ओके, अब एक लास्ट टेक्निक दिखा रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एंटी पेनिट्रेशन और एंटी रेप सिस्टम. ओके, कोई एक लड़की आता है, बाकी सब सबसे वर्स्ट है, सबसे वर्स्ट है. लड़की गिर गई या उसको फेंक दिया गया और पर्सन इज रेडी टू रेप. ओके, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट रेप, रेप कब होता है, जब पेनिट्रेशन होता है. ओके, there is one situation जहाँ पे penetration is not possible. knee bend कर रहे हैं, ले लो अपने तरफ, आप सो दे रहे अपने तरफ और head wrap कर दो या knee. this is a situation where penetration is not possible. okay, अब time एकदम है, अगर गलती से भी आप ground पे गिर गए तो तुरंत ये situation में आ जाइए. अब मुझे अगर rape करना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके हाथ छुड़ाने पड़ेंगे या पैर खोलने पड़े. वो जो सिचुएशन है वहां पे मेरे लिए वो सिचुएशन खतरनाक सिचुएशन, क्यों, मैं ऐसे मारूंगा उसको, छोड़ूंगा ये. मीनवाइल अगर लड़की थोड़ी भी स्ट्रांग है तो उसे सिर्फ क्या करना है, अपने पैरों को खोलना है. आप नी पे मुझे मार सकते, मारो खोलो, यस दिस इज वन अटैक. सेकेंड अटैक, आप यहाँ पे मुझे मार सकते हो दोनों पैरों से एक साथ. ओके, खोलो अचानक, हाँ साथ जोर से. Right? So this is another attack, way of attacking, यहाँ पे कर सकते हो. अब आपको लगता है कि सर स्ट्रेट पोजीशन में थक गए या आप धीरे धीरे स्ट्रेंथ कम पड़ गई, then turn, कोई भी एक साइड लेफ्ट या राइट टर्न होता है. साइड पे अगर चले जाएंगे तो दिस इज ऑल्सो सिचुएशन वेयर पेनिट्रेशन कैन नॉट हैपन. अब यहाँ पे मुझे उसको पहले सीधा करना पड़ेगा, जैसे ही मैं सीधा करने जाऊंगा मुझे उसके बॉडी के पास आना पड़ेगा. She has time, जो अगेन यहाँ पे क्लिक कर सकती है या अचानक हाथ खोल के मेरा गला पकड़ सकती है, कपड़े से मुझे खींच सकती है. ओके, कपड़ा भी सेल्फ डिफेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ओके, वी हैव डेवलप वन होल सिस्टम कि जहां से कपड़ा यूज करके सामने वाले को चौक कैसे दिया जाता है. मैं एक हल्का सा एग्जाम्पल देता हूँ. ओके, मैं यहाँ पे अगर ये शर्ट खींच के मैंने यहाँ पे हाथ डाल दिया, अगर मैं शॉर्ट से भी सिर्फ इनको खींचूं तो ब्रेक खींच जाएगा. आई एम नॉट डूइंग इट राइट नाउ,
लेकिन यही हाथ को अगर अंदर डाल के शर्ट को खींच लू और मैं उसको खींचूंगा तो वो चौक हो जाएगा, गला होगा दब सकता. सो देर आर लॉट्स ऑफ अनदर टेक्निक्स के जहाँ पे हम अपना सर्टिफिकेट कर सकते हैं इस्तेमाल, बट आई वुड प्रीफर के मारा मारी नाश हो. ओके, उसके पहले बाकी जवाब यूज कर लीजिए. आज के लिए मुझे जो 40 मिनट मिले थे मैम ने, बहुत ही प्रेशियस 40 मिनट आप लोगों के लिए दिए हैं.